पार्टी के लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कल 29 सितंबर को 8 विधानसभा के लिए 8 प्रत्याशियों का घोषणा किया है। एक सप्ताह के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। संगठन काम चल रहा है, बूथ बनाने का काम चल रहा है और सशक्त उम्मीदवारों का चयन भी हो रहा है। बाकी जो चुनाव प्रक्रियाएं होती है, जो सब पार्टी करता है, वो हम भी कर रहे हैं। जनता के बीच मैं पिछले 32 साल से लगातार हूँ। झारखंड का एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां मैंने रात्रि विश्राम नहीं किया है। तो जनता के बीच जाने की हमारा स्वभाव है, आदत है। मैं लगातार आज भी महीने में 25 दिन से ज़्यादा क्षेत्र में ही रहता हूं, विभिन्न जिलों में रहता हूं, ब्लॉक में रहता हूं और जनता से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं। मैं जमीन का नेता हूं, मैं अखबारी नेता और टेबल वाला नेता नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि लोकसभा चुनाव तो हम सिर्फ पहचान बनाने के लिए लड़े थे, विधानसभा का चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे। 81 विधानसभा तो नहीं जीतेंगे, लेकिन कम से कम 5-6 विधानसभा जरूर जीतेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोकहित अधिकार पार्टी के बगैर झारखंड में अब किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। हमने कहा ना कि ठगी पीड़ित जनता परिवार के लिए एक भी पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है, लोकहित अधिकार पार्टी लड़ रहा है। चुनाव आयोग ने हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, एक वर्ष भी नहीं हुआ, लेकिन हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। ना किसी के हम विरोधी हैं, ना किसी का अंध समर्थक हैं। जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन के अभाव में अप्रैल मई में लोकसभा के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े, अब विधानसभा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ संगठन भी खड़ा कर रहे हैं, दूसरे तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और तीसरे तरफ जनता की आवाज भी बन रहे हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जब हम लोगों ने देखा कि एक भी राजनीतिक पार्टी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए आवाज तक नहीं उठा रहा है, आंदोलन करना की दूर की बात, हम लोगों ने फैसला लिया कि इसका आवाज ही नहीं उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक झारखंड के एक एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका पैसा ब्याज समेत वापस नहीं मिल जाता है। चुनाव समाप्त होने के बाद भी आप लोग देखेंगे कि लोकहित अधिकार पार्टी इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ती रहेगी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।